हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए आलिया भट्ट से इंस्पायर्ड होके नो मेकअप लुक लेके आई हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि नो मेकअप लुक क्रिएट करें, आप नो मेकअप लुक के वीडियो बनाएं और अपलोड करें, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए जी, अब कर लेते हैं हम आईब्रो को फिलअप। हमने आईब्रो को बहुत डार्क नहीं करना, बिल्कुल लाइट से हमने आईब्रो को फिल करना है। और मेरी आईब्रोज वैसे बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मैं बिल्कुल लाइटर शेड लूँगी, डार्कर से लाइटर शेड जो है वो मैं यूज़ करूँगी अपने आईब्रो को फिल करने के लिए। और देखिए, अगर हम पार्टी मेकअप वगैरह करते हैं तब हम आईब्रो को बहुत ज़्यादा शेप देते हैं, मतलब ये आईब्रो पैलेट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइट सा शेड यूज़ करूँगी आईब्रो पैलेट का, और हल्का सा फिलअप करूँगी अपनी आईब्रोज़ को। और आईब्रो हमारी बहुत शार्प नहीं लगनी चाहिए, वरना नो मेकअप लुक बिल्कुल नहीं लगेगा। रोज़ मैं ब्लॉग्स शेयर करती हूँ, सोचा मैंने आज क्यों ना मैं आज नो मेकअप लुक शेयर करूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा, मुझसे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ मेकअप के बारे में बताया कीजिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने सिरम लिया है, अभी समर्स चल रहे हैं तो सिरम, यहाँ पर ये सिरम इस तरह का, इसमें प्राइमर और सिरम दोनों हैं, तो मैं प्राइमर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं जस्ट सिरम यूज़ करूँगी। अच्छा जी, तो ये प्राइमर बहुत मस्त होता है स्किन के लिए, क्योंकि अगर हमारी पोर्स लॉक नहीं होंगे तो हमारा मेकअप बहुत देर तक स्टे नहीं करेगा। तो ये आप लोगों की अगर गलत फहमी है कि प्राइमर नहीं यूज़ करने से कुछ भी नहीं होता, बट ये गलत है। आपने अगर आप मेकअप प्रॉपर कर रहे हैं तो आपको प्राइमर ज़रूरी यूज़ करना है, अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप बहुत देर तक स्टे करे। तो अच्छे से एक ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं प्राइमर, और प्राइमर अगर आप लोग ले रहे हैं तो अच्छा ही लें, तो क्योंकि स्किन का मामला होता है, पता है आपको स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है प्राइमर। और यहाँ मैंने सिरम यूज़ किया, क्योंकि मैंने प्राइमर नहीं लगाया, क्योंकि मेरे सिरम में ऑलरेडी प्राइमर था। देखिए मेरी स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है बिल्कुल, और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है मेरी स्किन। अगर आप लोग चाहते हैं आपका फाउंडेशन जो क्रैकी ना हो, क्रैक ना हो, बिल्कुल फाउंडेशन आपका केकी ना हो, तो आप लोगों को चाहिए पहले सिरम यूज़ करें, या फिर अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। अगर सिरम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास हुदा का फाउंडेशन है, और मैंने थोड़ा सा इसमें एक पम्प, मैंने सिर्फ इसमें से एक पम्प से भी कम होगा जितना मैंने फेस पर अप्लाई, क्योंकि हमें चाहिए नो मेकअप लुक, फेस को बहुत चट्टा नहीं करना है आपने, इससे फिर योगा का नेक काली लगती है अक्सर और फेस गोरा लगता है, हमने ऐसा नहीं करना है। हमने इस तरह का लुक देना है बिल्कुल नो मेकअप लुक, और इस तरह करके अपने फाउंडेशन को मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके अप्लाई कर दिया है। और इसके बाद अपने फाउंडेशन को बहुत बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल कम से कम यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन थोड़ी डार्क है तो उससे कोई इशू नहीं है, स्किन जो है, स्किन का कलर देखिए, आपका अपना स्किन का कलर बहुत अच्छा होता है, बस स्किन जो है एक टोन में होनी चाहिए, और स्किन का कलर बहुत ज़्यादा गोरा नहीं अच्छा लगता। आपकी अपनी स्किन बहुत अच्छी होती है, नेचुरल स्किन आपकी अपनी है तो वो सबसे अच्छी होती है, तो ये कोशिश नहीं कीजिएगा कि फाउंडेशन तो बहुत ज़्यादा गोरा करें स्किन को, तो बहुत ओवर लगता है। और ज़रूरी नहीं आपके पास हुदा का फाउंडेशन, आपके पास हुदा फाउंडेशन नहीं है तो आप लोग कोई सा भी आपके पास जो हो आप यूज़ कर सकते हैं नो मेकअप लुक के लिए। कोई ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई आपके पास कोई ब्रांडेड नहीं है, मेरे पास टार्ट का यहाँ पे कंसीलर है, मैं यूज़ करूँगी अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। अगर आप लोग के पास ये चीज़ें नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप इस भी कर सकते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल हल्के बिल्कुल लाइट सा मैंने कंसीलर यूज़ किया, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स इतने नहीं हैं, तो मैं बिल्कुल लाइट सा लगाऊँगी अपनी अंडर आई के नीचे, और जहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा डार्कर एरियाज़ हैं मेरे, वहाँ मैं यूज़ करूँगी कंसीलर को। अच्छा, वैसे ही मुझे पर्सनली बहुत पसंद है टार्ट का ये ना कंसीलर, बहुत पसंद है। यहाँ टैप टैप करके मैं अप्लाई कर लूँगी कंसीलर को अपनी अंडर आई के नीचे अच्छी तरह से आपने ब्लेंडिंग करनी है, जो इसमें मेकअप में जो खेल है ना वो ब्लेंडिंग का होता है, चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे वो कंसीलर हो, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी आपका मेकअप अच्छा होगा, और अगर आपकी ब्लेंडिंग नहीं अच्छी होगी आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। मेरी स्किन जो है नॉर्मल स्किन है, बिल्कुल ऑयली स्किन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह यूज़ नहीं किया है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, मेरी स्किन नॉर्मल थी, मुझे नहीं नीड थी, मैंने नहीं यूज़ किया। अगर आपको नीड होगी तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ मैं लगाऊँगी, इसके बाद मैं बस मेरी लास्ट चीज़ रह गई है वो है टेंट। नो मेकअप लुक हमें क्रिएट कर रहे हैं तो हमें चाहिए टेंट, बिल्कुल लाइट सा मैं लगाऊंगी अपने लिप्स पे टेंट, और फिंगर की मदद से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी बिल्कुल लाइट लाइट सा। इसके बाद मैं लगाऊंगी अपने चीक्स पे, और
चीक्स पे लगा के मैं अपने हाथों से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाइए, और जल्दी से ब्लेंड करना है आपने ताकि ये स्टेन ना छोड़े आपकी स्किन पे, निशान से आ जाएगा रेड सा तो वो अजीब सा लगता है फिर ना, तो आपने जल्दी से इसको ब्लेंड आउट करना है। यहाँ देखिए हमारा नो मेकअप लुक हो चुका है, और बताइएगा मुझे आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा, नो मेकअप लुक, और आलिया बट से इंस्पायर्ड हो रहा है या नहीं ये बताइएगा मुझे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके सपोर्ट करें, न्यू यूट्यूबर हूँ मैं भी, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अल्लाह हाफ़िज़।